ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के हमारे जो मुख्य वक्ता कहे हैं, मुख्य अतिथि कहे हैं, आदरणीय दैवी भ्राता राम प्रकाश सिंगल जी, जो अमेरिका न्यूयॉर्क से हैं। आप प्रोफेशनल इंजीनियर भी हैं। भाई साहब से अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और अपना सम्मानीय स्थान ग्रहण करें। साथ ही साथ हमारे अन्य अतिथि आदरणीय देवी भ्राता मेजर जनरल ऋतुराज रैना जी, सर से भी अनुरोध है कृपया मंच पर आए। साथ ही साथ मैडम से भी अनुरोध है, आइए आइए, आप भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में आदरणीय देवी भ्राता श्री प्रवीण ठकराल जी, आप चांसलर हैं, चेयरमैन हैं ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के। भाई सबसे भी अनुरोध है कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। और इसी के साथ ही हमारे बीच आदरणीय भ्राता श्री विजय सिन्हा जी, आप MD हैं NHDC मध्य प्रदेश भोपाल, सर से भी अनुरोध है कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। अभी बहनों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इतना सुंदर मंच हमारे समक्ष है, सभी का तिलक एवं पट्टा पहनाकर सम्मान करें। सब भी करतल ध्वनि से इस सम्मान में सहभागी अवश्य बने। और अभी हमारे बीच हमारे आदरणीय देवी भ्राता डॉक्टर दिलीप नलागे जी हैं और हमारे अतिथियों के सम्मान में बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर दिलीप भाई जी। ओम शांति। 7 billion acts of goodness, a blueprint for the world of happiness, इस विषय को लेकर हम सबके बीच में हमारे आदरणीय दैवी भ्राता राम प्रकाश भाई जी उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस उम्र में इतनी अथक सेवाएं वो कर रहे हैं। एक जो यूथ होता है उसके लिए भी वो एक एग्जाम्पल है। वो अपने आप को यूथ ही कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं 71 ईयर्स यूथ हूँ।
तो इसीलिए ऐसे हमारे आदरणीय दैवी भ्राता उनके लिए ये गीत है। और वास्तव में इसके जो शब्द हैं बड़े अच्छे हैं, सबके अंदर बहुत उमंग उत्साह भर देने वाले हैं। उनके साथ साथ उनके बहाने से इस मंच पर जो भी मेहमान पहुँचे हैं आकर, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप सभी के लिए ये गीत है। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाया पाए बाहर आए हो। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाया पाए बाहर आए हो। आपका ही था सबको इंतजार, आपका ही था सबको इंतजार, आपके लिए सब थे बेकरार, हवाएं घटाएं फिजाएं, बागों में फूलों ने झूलों ने ली झूम के अंगड़ाई आप आए बाहर आए हो। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई आप आए बाहर आए हो। तालियां बजती रहे, आपका भी सहभाग इस वजह से इस गीत में रहेगा तालियों के माध्यम से। आपने किया के एहसान, आपने किया के एहसान, था ये वीराना अब है गुलिस्तान, पुकारे नजारे ये सारे गुलशन की गलियों से कलियों से, सुनिए आवाज ये आई आप आए बाहर आए हो। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाया पाए बाहर आए हो। लीजिए ना बस अब जाने का नाम, लीजिए ना बस अब जाने का नाम, रूठ जाएंगे
जलवे ये तमाम, ये बस्ती ये मस्ती ये हस्ती, ऐसा ना हो जाए बन जाए ये महफिल फिर तन्हाई आ पाए बाहर आए हो। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई आ पाए बाहर आए हो। अब शांति। बहुत ही सुंदर गीत डॉक्टर दिलीप भाई जी। बाहर तो वास्तव में जब दिलीप भाई भी आते हैं तो बाहर आ जाती है, इतने प्यार से जब गीत गाते हैं लय के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ भी अभी मैं आगे, चूँकि हमें सुनना है हमारे राम प्रकाश भाई जी हैं, लेकिन चूँकि हमारे वरिष्ठ मेहमान भी पहली बार यहाँ आए हुए हैं, मैं आदरणीय भ्राता श्री प्रवीण ठकराल जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के लिए अपनी गुड विशेष हमारे समक्ष रखें। भाई साहब चांसलर हैं, चेयरमैन हैं ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के, ठकराल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के, और बहुत ही नम्रचित। जब भी कोई फैकल्टी आती है और जब भी भाई साहब को कॉल करते हैं कि प्रोग्राम रखना है तो हमेशा हाँ जी है। और पहली बार यहाँ नीलगढ़ में आप आए हैं, भाई साहब से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं दें। आदरणीय भाई साहब, धन्यवाद। भाई साहब आपने काफ़ी ज़्यादा ही कहा है, जिसके लिए मैं सक्षम तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। मुझे बहुत खुशी है, दीदी ने विशेष आग्रह किया तो मेरे मन में भी इतनी इच्छा हुई कि मैं एक बार ज़रूर आऊँ। बहुत समय से कोशिश में था, आज आके मुझे बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे सुख की शांति की अनुभूति हुई है, इतना अच्छा लगा है मुझे। और मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं आप सबको, धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। और इसके साथ ही आदरणीय भ्राता श्री विजय सिन्हा जी, और आप यहां एमडी हैं एनएचटीसी मध्य प्रदेश भोपाल, और एनएचडीसी का भी ब्रह्मा कुमारी से बहुत गहरा कनेक्शन है। आप जो सोलार प्लांट्स देख रहे हैं छत पर है, वो पूरा एनएचडीसी के द्वारा ही लगवाया गया है सीएसआर से। और भाई साहब भी पहली बार यहाँ नीलगढ़ में पहुँचे हैं, तो भाई साहब से भी अनुरोध है कि इस कार्यक्रम जो 7 बिलियन एक्ट ऑफ गुडनेस है उसके प्रति अपने शुभकामनाएँ रखें। आदरणीय भाई साहब, मुझे यहाँ आके अद्भुत एक शांति सा महसूस हो रहा है। मैं काफ़ी दिनों से ब्रह्म कुमारी से इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ, सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होता है मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे जाके उसका आनंद लूँ और पार्टिसिपेट करूँ। जब आज के दिन के लिए दीदियों ने मुझे बोला कि ऐसा फंक्शन है, मैं उनको ना नहीं कह सका, हमारे कुछ ऑफिस के एंगेजमेंट थी, फिर भी हमने बोला कि नहीं आज मैं जाऊंगा ज़रूर, और मैं आया। और मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं इस आज के प्रोग्राम के लिए, धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। और भाई साहब को इतना उमंग रहता है, बीच में योगा डे का प्रोग्राम हम लेने गए थे कि एक दिन का प्रोग्राम एनएचटीसी में पूरे स्टाफ के लिए कराना है, तो भाई साहब ने कहा एक दिन क्यों, अभी तो 4-5 दिन बाकी हैं, आप 3 दिन कराइए और प्रॉपर योगा कराइए। तो जैसे जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ ही हमारे बीच आदरणीय भ्राता श्री ऋतुराज रायना जी, मेजर जनरल, आप कमांडेंट हैं सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल के, और बहुत ही नम्रचित्त हैं, इतना हम्बल और इतना सरल, और आप
रिसेंटली ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएट हुए हैं, कोर्स समझा है पूरा, तो बड़ी खुली विचारधारा के हैं। सर से भी अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं रखें। आदरणीय रैना साहब। ओम शांति। मेरे को ब्रह्म कुमारी संगठन के साथ जुड़े हुए अभी भोपाल आने के बाद ही मैं जुड़ पाया और मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर जितना आनंद मेरे को मिला और जितना खुशी मिली है वो मैं बता नहीं सकता हूँ। अपनी धर्मपत्नी के साथ कुछ ही दिन पहले मैं जुड़ा हूँ यहाँ से, और जब मेरे को पता लगा कि यहाँ पर इतना बड़ा भव्य समारोह हो रहा है और हमारे बीच में अमेरिका से भाई आ रहे हैं रामप्रकाश जी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और इसीलिए मैं बिना ज़्यादा विलम्ब के उन्हीं को सुनने के लिए जिसके लिए हम आए हैं उन्हीं को सुनना चाहेंगे। और इस समारोह के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और आगे सभी आप सभी के लिए भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक्स। और मैडम से भी अनुरोध है कि दो शब्द। ये बहुत सुंदर कार्यक्रम आप अभी जो सुनेंगे, 7 बिलियन एक्ट ऑफ गुडनेस, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सारे प्रेस के लोग जो आए हुए थे उनका बड़ा क्वेश्चन आंसर हुआ भाई साहब के साथ में, वो बड़ा वंडर खा रहे थे। जो इतना सटीक उनको जब आंसर मिलता था एक्चुअली गुडनेस के ऊपर, तो इतना अच्छा। जो लोग नहीं आ पाए उन्होंने शाम को शिकायत की जिन पेपर्स वाले कि भाई आपने हमें नहीं बुलाया, आपने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर हुए, सब कुछ हुआ। तो भाई सब के कार्यक्रम के लिए अपनी दो शुभकामनाएँ मैम से अनुरोध है, हमारे बीच रखेंगे। ओम शांति। आप सभी के बड़े आभारी हैं कि आप सब ने हमको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको हमारी तरफ से। ओम शांति। अभी हमारे बीच में हमारी बड़ी दीदी आदरणीय राजयोगिनी नीता दीदी भी हैं। दीदी से अनुरोध है कृपया मंच पर आएं और अपना सम्मानीय स्थान ग्रहण करें। और इसके पश्चात बहनों से अनुरोध है कृपया दीदी का भी तिलक एवं पट्टे से सम्मान करें। और इसके पश्चात कैंडल लाइटनिंग है, भाइयों से अनुरोध है कृपया दीपक स्टैंड को मंच पर लाएं। दिल्ली से विशेष रूप से हमारे बीच पधारी हुई आदरणीय राजयोगिनी सुनीता दीदी जी, दीदी से भी अनुरोध है कृपया मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन की इस रस्म में अपना हाथ बटाएं। आदरणीय दीदी जी। अभी निरंतर 8 दिन तक पूरे भोपाल में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कार्यक्रम सभी जगह रखे हुए हैं। मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे गांधी मेडिकल कॉलेज है, दूसरे कॉलेज हैं, सब जगह। तो भाई साहब के जो मोटिवेशन है वो एक नई लहर फैलाने वाला है भोपाल में। और अभी इस प्रोग्राम की विधिवत लॉन्चिंग है, इसलिए ये जिम्मेवारी का ताज है।
इसके साथ ही आराधना बहन जी से भी अनुरोध है, बहन जी जहाँ भी हों कृपया मंच पर आएं। सभी अतिथियों से मेरा अनुरोध है कृपया खड़े होकर दीप प्रज्वलन करेंगे। बहनों से अनुरोध है कृपया कैंडल्स लाएं। अपने अंतर मन को रोशन करने का यादगार यह दीप प्रज्वलन, हम सब भी ऐसा ही अनुभव करें। आप सबका भी हाथ दीप प्रज्वलन के लिए आगे बढ़ा है। बहुत बहुत थैंक्स सभी का। और अभी जो प्रोजेक्ट है ए ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग ए वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, तो उसका शुभारंभ और अभी दीदी से अनुरोध है कृपया सभी मेहमानों को ईश्वरीय गिफ्ट सौगात एवं प्रसाद प्रदान करें। आदरणीय दीदी जी परमात्मा शिव का यादगार चिन्ह
स्वागत ये तीन लोग गाएं सम्मान गान स्वागत ये तीन लोग गाएं नाचे धरा गगन ये झूमे दसो दिशाएं झूमे दसो दिशाएं झूमे दसो दिशाएं सम्मान गान स्वागत ये तीन लोग गाए सम्मान। इसके पश्चात अभी हम जो आज का कार्यक्रम है जिनका हमें इंतजार है, अ ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग ए वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, खुशियाँ कैसे आती हैं जीवन में, इस बहुत सुंदर कार्यक्रम को अभी लेके आ रहे हैं आदरणीय भ्राता राम भाई जी। मेहमानों से अनुरोध है कृपया सामने अपनी स्थान ग्रहण करें। किसी को इस टॉपिक को लेके, इस विषय को लेके कोई ऐसा प्रश्न भी आता है कि आज के समय में जो लाइफ है वो खुशनुमा हो, या जो आज का विषय है एक्ट ऑफ गुडनेस का कि गुडनेस कैसे करें, कईयों को बड़ा चैलेंजिंग लगता है कि ऐसे स्ट्रेसफुल लाइफ में हम जब दूसरे लोग हमारे साथ ठीक नहीं हो रहे हैं फिर भी हम उनके साथ अच्छा कैसे करें। तो कुछ भी कोई ऐसा प्रश्न आता है तो बाद में 10 मिनट आपको देंगे और भाई साहब उसका उत्तर आपको देंगे। तो अभी इस कार्यक्रम को हम सुनते हैं और भाई साहब से मेरा अनुरोध है, एक और आपके जीवन की ऐसी घटना है, आप सब वाकिफ होंगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था, जो प्लेन टकराए थे और दोनों ही जो बिल्डिंग है बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी, आप उसी बिल्डिंग में ही थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही और 64वें माले पर थे। 64वें माले से किस तरह नीचे उतरे, आश्चर्य यह है कि इनकी जो बिल्डिंग थी उसमें प्लेन पहले टकराया था लेकिन ये बिल्डिंग बाद में गिरी, और जो ट्विन बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग थी उसमें प्लेन पहले टकराया था, बाद में टकराया था लेकिन वो पहले कोलैप्स हो गई। तो रियली कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, बहुत अच्छे अनुभव हैं। मैं भाई सबसे रिक्वेस्ट करूंगा उसको भी शेयर जरूर करें हमारे बीच में, आदरणीय भ्राता राम प्रकाश सिंगल जी। ओम शांति। बहुत बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है कि यहाँ भोपाल में दोबारा मेरे को आने का चांस मिला है। पहले मैं 2016 में आया था, तब इन्होंने ये जो प्रोग्राम किया था उसका नाम था चेन रिएक्शन, 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, लेकिन उसका चेन रिएक्शन कैसे सारी दुनिया में फैल सकता है। और अभी हम इसको लॉन्च कर रहे हैं ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग ए वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, जिसको हम वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस को हेवन बोलते हैं, बहिष्ट बोलते हैं, पैराडाइज बोलते हैं, लेकिन नाम वही है, लेकिन उसको वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस उसके नाम से, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस ना न्यूट्रल वर्ल्ड है, हर कोई इससे रिलेट कर पाता है। तो उसके हिसाब से कि हैप्पीनेस आती कैसे है, हम जब स्वर्ग की बात करते हैं, हेवन की बात करते हैं, हम देखते हैं कि कितनी बार हम इमेजिन करते हैं, कितने लोग बात करते हैं हेवन का, लेकिन क्या ये सचमुच में पॉसिबल है, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है। एक जादू सा लगता है ना, कैसे नरक से स्वर्ग कैसे बनेगा, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार दुनिया में जादू दिखाते हैं लोग,
हमको पता है वो फेक है, कैसे वो काट देते हैं एक लड़की को, पता नहीं कहाँ कहाँ से, तलवार से, छुरी से, कहाँ पूरा लगता है कि उसकी बोटी बोटी हो गई है, लेकिन फिर वो सुंदर सी लड़की बाहर निकल आती है। वैसे क्या हुआ, मैजिक हुआ, पता है फेक है, पर सबको बड़ा मज़ा आता है और कहते हैं आई विश आई कुड डू दैट आल्सो, है ना। लेकिन भगवान को भी जादूगर कहते हैं, लेकिन भगवान का जादू है ना वो फेक नहीं है, लेकिन भगवान का जादू प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल माना एक प्रोसेस है इसका, नरक से स्वर्ग बनना एक प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस में जैसे कोई चीज़ बड़ी इम्पॉसिबल सी लगती है उसको मैजिक के नाम से कहते हैं। जैसे आज मोबाइल फ़ोन हमारे पास है, 50 वर्ष पहले इसको कहते कि ये मोबाइल फ़ोन ऐसे आएगा हमारे पास, सबको मैजिक लगता, लेकिन आज वो पॉसिबल है ना। राइट ब्रदर्स वो इमेजिन करते थे कि दे वांट टू फ्लाई लाइक बर्ड्स, और उन्होंने प्लेन का आविष्कार किया, लेकिन प्रोसेस से उतार चढ़ाव भी आए, लोगों ने उनको पागल भी बोला, है ना, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने इन्वेंट किया ना। तो इस हिसाब से लगता है कि कोई भी चीज़ जो शुरू में होती है, मतलब कि यू कैन थिंक फार अहेड, फार साइटेडनेस, तो जो चीज़ होनी होती है हमारे फ्यूचर में उसकी इमेजिनेशन शुरू हो जाती है हमारे को अपने जीवन में। मेरे साथ भी, अभी मैं कॉलेज में पढ़ता था, 19 साल का थर्ड ईयर में थे हम, तो एक जीन डिक्सन नाम की एक एस्ट्रोलॉजिस्ट है, उसने कई प्रडिक्शन की थी जैसे कैनेडी असैसिनेशन वगैरह का, और एक उनकी प्रडिक्शन थी कि ओवर द टर्न ऑफ द सेंचुरी इंडिया विल बी मोस्ट प्रोस्पेरस कंट्री इन द वर्ल्ड, माने भारत सबसे ज़्यादा समृद्धशाली होगा। तो मुझे याद है हम फ्रेंड्स आपस में, वो ना शायद लाइफ मैगजीन उन दिनों में आता था, उसमें था, तो हमको सड़ा लग, बाकी सब तो ठीक लगा उसकी प्रडिक्शन, लेकिन जब कहता भारत सबसे ऊंचा होगा, हम कहते भारत तो 100 साल पहले पिछड़ा हुआ है, वो कैसे पॉसिबल होगा। तो तब हमने आपस में बातचीत करके हंसी मजाक में इसको लिया और छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने इंजीनियरिंग पास कर ली, घर में था, तो बहनें आकर हमारे घर में, उन्होंने सेंटर शुरू किया, तो मैं उनसे, मेरे को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि हमारी बुआ जी चलते थे, एंड आई डिड नॉट लाइक द वे शी विल टॉक एंड ऑल दैट। तो लेकिन जब मैं उनके नज़दीक आया, मैंने उनकी प्रैक्टिकल लाइफ देखी, तो तब भी मेरे को अचानक फील होना शुरू हो गया कि इनके अंदर कुछ लगता है, जेन्युइन जॉय उनके चेहरे पर दिखाई देता, सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो दिखाई देती थी। उस हिसाब से मैं उनके नज़दीक आया, और फिर उन्होंने मैंने कोर्स करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि आप मनुष्य से देवता बनोगे और ये नरक से स्वर्ग बनाने की पढ़ाई है। तो मेरे को बड़ी हंसी आई अंदर ही अंदर। तो क्या था, मैं बिगड़ा हुआ था कॉलेज में, जो बुरे से बुरे काम करने हैं वो हम करते थे, ड्रिंक करना, स्मोक करना, नॉन वेजिटेरियन बन गए हम अग्रवाल परिवार के, हमारे घर में प्याज भी नहीं आता था, मैंने सब नियम तोड़ दिए, टीचर को भी तंग करता था, टीचर के ऊपर पेपर बॉल फेंकता था, माना जो भी बुरे से बुरे काम हम करना चाहते वो करते थे। और अभी ये कहते मनुष्य से देवता बनेंगे, तो मेरे को लगा मैं थोड़ा सुधर जाऊँ वही कम है क्या मेरे लिए। पर हुआ क्या, एक हफ्ते में ही सब कुछ छूट गया, वन मिनट, चलो एक 3 मिनट ट्रैफिक जो है ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। Yeah.
तो जब मेरे को लगा कि एक हफ्ते में मैं इतना परिवर्तन हुआ है, इंजीनियर होने के नाते हम हमेशा एप्लीकेशन की बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, हमको कुछ बनाना होता है तो उसके पहले मॉडल बनता है, फिर प्रोटोटाइप बनता है, तब लगा कि मैं इतना चेंज हो सकता हूँ तो इतना भी हो सकता हूँ, इतना भी हो सकता हूँ, इतना भी हो सकता हूँ। तो मैंने अपने आप को कहा मैं 1% चांस दे दूँ, अपने आप को शायद मनुष्य से देवता बन सकते हैं। फिर पता चला जो देवता होते हैं उनमें दिव्य गुण होते हैं, देवता भी मनुष्य ही होते हैं। तो धीरे धीरे हमको क्लियर होने लगा कि मनुष्य ही देवता होते हैं, देवता भी ज़मीन पर ही रहते हैं। तो एक प्रैक्टिकल सा पॉसिबिलिटी लगने लगी। तो मैंने इसी हिसाब से देखा कि कहने को कहेंगे कि हम योग की शक्ति से पावन बनते हैं, लेकिन मेरे को लगता था योग में बैठे 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 इसमें पावन कैसे बन जाऊंगा। पर धीरे धीरे वो क्लैरिटी मिली कि वास्तव में जो ज्ञान है, हमको समझ मिलती है, उसको जब अप्लाई करते हैं तो वो विजडम बन जाती है। ऐसे हमारे में जो प्यार और खुशी है, उसको हम जब कर्मों में यूज़ करते हैं, क्योंकि योग से हमको वही मिलता है जो भगवान के पास है। भगवान के पास तो प्यार, खुशी, आनंद, प्योरिटी, ट्रूथ, ये चीज़ें हैं। तो वो आत्मा को मिलती हैं, आत्मा से वो प्यार और खुशी फिर शरीर में जाता है, तो आत्मा में जाने से उमंग उत्साह आता है, शरीर में जाने से उसमें ताकत आती है। जैसे हम कहते हैं कि जिस दिन हम खुश होते हैं, हम 4 घंटे भी सोएंगे, स्टिल वी आर फुल ऑफ एनर्जी। और किसी दिन हम उदास होते हैं, डिप्रेस होते हैं, हम 8 घंटे भी सोएंगे तब भी थके थके लगेंगे। कई बार हमारे में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, शरीर थका होता है, लेकिन कोई प्यार से आपको कहता है प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, तो प्यार के कारण आप करने लग जाते हो, करते करते आपकी थकावट भी दूर हो जाती है और दोनों खुश भी हो जाते हैं। तो माना कहना इससे लव जनरेट्स एनर्जी इन द बॉडी, हैप्पीनेस जनरेट्स एनर्जी इन द बॉडी। तो मेरे को उस तरह वो प्रैक्टिकल चीज़ें लगने लग गई सब। तो तब लगने लगा कि मनुष्य से देवता बनना भी पॉसिबल है, पर मेरे को कर्म करने थे। अभी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, समय थोड़ा है, लेकिन देखो मैंने काम कहाँ से शुरू किया, सेवा करना, कि कर्मों से ही। कर्मों में जब प्यार और खुशी जाएगा, उससे एक तो हम भी खुश रहेंगे, प्यार और खुशी है तो हम थकेंगे नहीं, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारी जो हमारे को थकावट नहीं होगी, हम ज़्यादा काम कर लेंगे। तो तब लगा कि हम आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं उससे। तो धीरे धीरे तब मेरे को लगने लगा कि ये कर्म ही हैं जिससे संस्कार बनते हैं, और जब श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे तब हम देवता बनेंगे। तो मेरे को शुरू से ही क्लियर कट था कि देवता बनना है तो वो कर्मों से बनेंगे। तो मेरा पूरा से पूरा एफर्ट पहले था भी प्यार और खुशी की एनर्जी लगानी है। तो पहले मैं सिविल इंजीनियर था, अभी मैं स्पिरिचुअल इंजीनियर बन गया। फिर मैंने छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए, मेरे को कोई काम तो करने नहीं देगा, मैं विकारी हूँ, सबको मालूम था। तो मैं कहता और कुछ नहीं, मेरे को बर्तन साफ़ करने को ही दे दो। तो मैं बर्तन साफ़ करने लगा, सब कहने के नहीं 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 आप मत करो, आप तो इंजीनियर हो। मैं कहा इंजीनियर मैं बाहर हूँ, यहाँ थोड़े इंजीनियर हूँ। तो मैं करने लगा, घर वाले मेरे मजाक उड़ाने लगे, कहते ये पागल हो गया है, इसको इसका दिमाग स्क्रू नहीं होता, स्क्रू ढीला हो गया है। फिर मैं दरवाज़ा बंद करके करने लगा, लेकिन करना ज़रूर है, पर मेरे को लगता है मैं ये पानी जैसे नहीं बर्तन साफ़ करते हैं तो पानी से खेल रहा हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा फील होता था कि आत्मा शरीर में है, और परमात्मा से आत्मा को मिलता है, आत्मा से शरीर को मिला, और शरीर से जो हम कर्म करते हैं उससे प्रकृति से इंटरेक्शन होता है, तो उसी के आधार से ही प्रकृति सारी की सारी प्योर होती है। तो तब लगा कि जैसे मेरे शरीर में आत्मा है तो मैं कोई भी चीज़ टच करता हूँ, जैसे हम कहते हैं हमारे खून है रग रग में, तो वो खून आप छोटा सी सुई लगाएंगे खून निकल आता है। तो इस तरह क्या ये पॉसिबल है, जो प्यार और खुशी मेरे को मिला, मेरी रग रग में आए, मैं कोई भी चीज़ टच करूं
तो उसको प्यार और खुशी मिल जाए, और वो प्यार और खुशी फिर आगे के आगे बढ़ती जाएगी। तो मेरे को लगता है जब मैं पानी को टच कर रहा हूँ, जितना भी टच कर लूँ मैक्सिमम, उतना फिर वो नाली में जाएगा। वो प्यार और खुशी लेकर गया, नाली में चला जाएगा, फिर नाले में जाएगा, फिर वो नदी में जाएगा, अल्टीमेटली वो ओशन में जाएगा। तो वो मेरा प्यार और खुशी वो बर्तन साफ करने से ही समुंदर तक प्यार और खुशी जा रहा है, ऐसा मेरे को अंदर में फील होता था। क्योंकि हम देखते हैं कि तालाब में हम कोई कंकड़ डालेंगे, उसकी लहरें पैदा होती हैं, वो लहरें तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक किनारे तक नहीं पहुंचती है। तो ऐसे ही हमारा भी कर्म इस तरह का है कि हम कुछ भी करते हैं उसका इफ़ेक्ट यूनिवर्स के एंड तक जाता है, जिसको कई बार हम लोग कह देते हैं बटरफ्लाई इफ़ेक्ट, कहते हैं वो पंख फड़फड़ाती है ना, उसका इफ़ेक्ट पूरे यूनिवर्स में जाता है। तो यही चीज़ कर्मों पर लागू होती है। तो मेरे को शुरू में ही वही था, और जब मैं बर्तन साफ़ करता, मैं पानी से खेल रहा हूँ इधर से उधर से, फिर बर्तनों को मांजता था, लगता बर्तनों की मालिश कर रहा हूँ, है ना, मालिश कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे तो करते हैं। और जब बर्तन धुल के चमक उठते, मेरे को लगता बर्तन बड़े खुश होकर मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं, कहते देखो हमको खा पी के छोड़ दिया लोगों ने, हम गंदे पड़े थे, हमको मक्खी मच्छर तंग कर रहे थे, आपने साफ कर दिया, थैंक यू सो मच, अभी हम अच्छे बर्तनों में जाके बैठेंगे। मेरे को देखो है बचपना, पर मेरे को वो चीज़ कभी भूलती नहीं है कि कैसे छोटे, और फिर दुआएं मिलती थी छोटी कन्याओं से, तब लगा कि दुआएं सिर्फ बड़ों से नहीं मिलती हैं, छोटों से भी मिलती हैं। और मेरे को तो एक सीक्रेट मालूम पड़ गया खुश होने का, मैं कि लोग बड़े बड़ी पोजीशन, बड़े बड़ा घर, गाड़ियां चाहिए, और यहाँ बर्तन साफ करके हम खुश हो सकते हैं। तो तब मैं उस दिन से, मेरे को हैप्पीनेस का जो फीलिंग आती ना, तो उस दिन से मैं हैप्पीनेस इंजीनियर बन गया। माना हर चीज़ का साइंस ऑफ हैप्पीनेस है कि नहीं है। तो मेरा वही जो लक्ष्य रहा, मैं अमेरिका में भी गया, सब छोटे छोटे काम मैं करता था, और करते करते जो दुआएं मिलती थी वो मेरा जो है पूरी लाइफ इस तरह की बनी कि लोगों की मदद कैसे करना है। तो ऐसे ही हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, मैं आपको थोड़ा उसका सुना देता हूँ, वो जो ट्विन टावर का बताया ना राम कुमार भाई ने, तो आई वॉज ऑन 64th फ्लोर, और जब प्लेन टकराया तो लगा कि अर्थक्वेक आया, क्योंकि बिल्डिंग हिली, इधर गई इधर गई इधर गई, फिर खड़ी होगी, फिर लगा कि प्लेन तो नहीं, कोई ना कोई प्लेन टकराया होगा, अर्थक्वेक तो नहीं है। फिर हमने नीचे उतरना शुरू किया, इतने में कहते सेकंड प्लेन, तो दूसरा प्लेन आकर दूसरी बिल्डिंग को टकराया, फिर सभी में दहशत आनी शुरू हो गई, घबराने लगे, और फिर हमको पता चला थोड़े समय में ही दूसरा टावर जो टकराया बाद में, लेकिन गिरना पहले शुरू हो गया। और जितने समय तक वो गिरता रहा, हमारा टावर बुरी तरह से शेक हो रहा था, नीचे से फर्श हिल रहा है, प्लास्टर गिर रहा है, पाइपलाइन टकरा रही है एक दूसरे से, मना बिल्कुल ही हॉरर मूवी का सीन होता है वैसा लगता था। और फिर हमको पता चला उसके गिरने से जो उसका मलबा होता है, क्या कहते हैं, डिब्रीस होती है ना, इतना मटेरियल 110 मंजिल का, तो उसके कारण हमारी सीढ़ी ब्लॉक हो गई। फिर हम दूसरी सीढ़ी में गए, वहाँ पर एक बहुत तेज़ी से पानी आने लगा, क्योंकि जो पाइपलाइन वगैरह टूट गई पानी की, तो पानी इतना तेज था अगर हम हैंड रेल जोर से ना पकड़े तो बह जाएंगे। हम हैंड रेल पकड़ते पकड़ते नीचे आ रहे हैं, फिर पता चला पानी के बहाव से या कोई और चीज़ से वो दूसरे वाली सीढ़ी नीचे से टूट गई। फिर हमको लास्ट वाली सीढ़ी एक जो बची थी उसमें जाने के लिए बहुत लंबे कॉरिडोर में से हमको गुजरना था, पानी हमारे ऊपर गिर रहा है, पानी हमारे पाँव के नीचे है, और कपड़े भीगे हुए हैं, और एकदम अंधेरे में कभी कभी इमरजेंसी लाइट की जब पावर ख़त्म हो जाती तो फ्लिकर करती है, तो दिखाई पड़ता सारी बिजली के तारे हमारे सर के ऊपर। तो हम अपने आप को बचाते हुए नीचे झुकाते हुए दीवार का सहारा लेते हम बाहर निकले, और हमको निकले हुए सिर्फ 4 या 5 मिनट हुए थे, अचानक फील हुआ नीचे से ज़मीन हिल रही है। पीछे मुड़ के देखा हमारा टावर भी
गिरना शुरू हो गया। हम टावर के इतना नज़दीक थे, अगर वो टावर ऐसे टॉपल हुआ होता हम उसके नीचे आ जाते, लेकिन वो टावर सीधा ऐसे आया। लेकिन उसका जो मलबा जो होती है ना, डस्ट वगैरह होती है, वो हमारे पीछे पीछे, हम आगे आगे, हम दूर निकल गए भागकर, हमको कुछ नहीं हुआ। तो कई लोग मेरे साथ रहना चाहते थे, तो हमारा वहाँ पर 4-5 किलोमीटर की दूरी पर सेंटर है, तो वहाँ पर मैं उनको लेकर आया, उनको खाना खिलाया, मेडिटेशन कराया, फिर रात को हम अपने अपने घर आ गए। लेकिन अगले दिन मेरे को चारों तरफ से न्यूज़पेपर, टेलीविज़न से ये इंटरव्यू आ रहे थे, तो वो कई चीज़ें मेरे से पूछते थे, लेकिन एक चीज़ वो ये पूछते थे कि आप 5 मिनट पहले टावर से निकले, 95 मिनट्स आप टावर में थे, तो आप 5 मिनट मौत के नज़दीक थे, तो आपको भय लगा होगा कि बच के नहीं जा पाएंगे, तो वो क्या अनुभव था आपका। तो मैंने रिकॉल किया कि 95 मिनट्स में मेरे को कब लगा था डर। टू माय सरप्राइज, सचमुच में मेरे को 95 मिनट्स में एक सेकंड भी डर नहीं लगा। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई उस चीज़ की, मैं कह ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। फिर अचानक ख्याल आया, क्योंकि मैं लोगों की मदद करने लग गया था, मेरे को अपना भय लगा ही नहीं। देखो, हम सभी को ये अनुभव होगा, कई बार आपको भी दुख तकलीफ़ होती है, लेकिन आपको किसी में लगता है जो उसको ज़्यादा दुख तकलीफ़ है, आप उसकी मदद करने लग जाते हैं, आपको अपना दुख तकलीफ़ भी भूल जाता है, है ना। सबका ये अनुभव है ना, तो मेरा भी वो अनुभव था। पर क्वेश्चन था, मैं मदद क्या कर सकता था, सभी लोग सीढ़ियों से उतर रहे हैं, मैं भी सीढ़ियों से उतर रहा हूँ, लेकिन फ़र्क क्या था, बाकी लोग जल्दी जल्दी नीचे उतर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी उतरें, बाहर निकलें, फिर घर जाएं, लेकिन मेरे को उस समय 27 ईयर से मैं ज्ञान में था, ये योग कर रहा था, तो मैंने कहा अगर मैं भी वही करूँगा तो मेरे और उनमें फ़र्क क्या हुआ, मेरे को तो लोगों की मदद करनी है। तो मैं धीरे धीरे लोगों से बातचीत करता नीचे उतर रहा था, लोग वो लोग भी बड़े खुश थे मेरे से, क्योंकि उनको पता मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो मेरे को कहते थे राम प्रे फॉर अस, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी में प्रेयर की बड़ी महत्ता होती है। तो लेकिन जब दूसरा टावर गिर गया, तब भी तो तरह तरह की आवाज़ें होती ना गिरने की, तो फिर थोड़ी सी भी आवाज़ आती थी तो सभी कांप उठते थे। तो खासकर वहाँ लेडीज़ जो थी वो मेरे पीछे आ रही हैं, तो जैसे मैं उनकी आवाज़ आती, उनकी चीख निकलती थी, मैं पीछे मुड़ के देखता तो उनके चेहरे पर, उनकी आँखों में वो दहशत फील होती थी। तो मैं क्या करता था, मैं उनको कहता था आप आगे आ जाओ, मैं खुद पीछे उड़ जाता था, उनको कहता था आप आगे आ जाओ, तो वो मेरे बड़े खुश होते। कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, वास्तव में 2 कदम पीछे 2 कदम आगे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास हो जाता है, बाकी लोग जल्दी जल्दी नीचे उतर रहे हैं, कौन उनका केयर करेगा, लेकिन इस भाई ने हमको अपनी जगह दी है, हमको आगे बुलाया है और खुद पीछे हो गया है, तो अगर हम मुसीबत में पड़ेंगे ना, ये भाई हमारी मदद करेगा। बस एक विश्वास नहीं होता है, तिनके को कहते ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो ऐसे उनको भी फील हुआ होगा, वो मेरे को इतना प्यार कर रहे थे, खुश हो रहे थे। तो मेरे को उन्होंने क्या बोला, राम यू आर अवर एंजल, उन्होंने मेरे को एंजल बोला। तो मेरे को बड़ी हंसी आई अंदर से, मैं कहा वाह, एंजल बनना तो बहुत ईजी हो गया है, लोग इतना मेहनत करते हैं, यहाँ 2 कदम पीछे जाओ और एंजल बन जाओ। लेकिन मैंने बाद में उसके बारे में सोचा कि मैंने थोड़े कहा था कि आई एम एन एंजल, मेरे तो दिमाग में भी नहीं था, मैं ड्यूटी समझ के कर दिया। पर उनको क्या महसूस हुआ होगा कि उन्होंने कहा ना मेरे को एंजल, उनकी बुद्धि में ये कहाँ से आया वर्ल्ड एंजल। तब मैंने सोचना शुरू किया कि जब हम किस एंजल की बात करते हैं, हम बड़े बड़े एंजल्स की बात करते हैं, जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं, जिन्होंने कई मिराकुलस कोई काम किए होते हैं, लेकिन मैं साधारण व्यक्ति हूँ,
तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि वो हैं नामी ग्रामी एंजल, मैं एक साधारण एंजल बन जाऊं, या वो बड़े बड़े एंजल हैं मैं एक छोटा सा एंजल बन जाऊं, या दाना कना या लाइक ए पार्टिकल एंजल, लाइक ए माइक्रो एंजल, या तो डॉट एंजल, क्या वो पॉसिबल हो सकता है? लोग वो बड़े बड़े काम करते हैं, आप छोटे छोटे अच्छे काम करो। तो तब मैंने सोचना शुरू किया कि एंजल्स करते क्या हैं, जिनको लोग एंजल्स का नाम देते हैं, वो मुसीबत के समय जहाँ ज़रूरत होती है हाजिर हो जाते हैं, फिर वो निस्वार्थ सेवा करते हैं, और वो गुप्त रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। जैसे अभी आजकल देखा ना डॉक्टर्स का, नर्सिस का, इस पैंडेमिक में उनको लोग एंजल्स बोलते थे, है ना, अमेरिका में तो उनका इतना वो महिमा करते थे, और जहाँ भी ऐसा था उन्होंने अपना देखा नहीं। और जब काम पूरा होता था डॉक्टर के ऊपर, तो वो कवर भी होता है, किसी को पता भी नहीं चलता कौन है वो कौन नहीं है, चले जाते। तो एंजल भी काम पूरा हुआ और चले जाते थे, और रिटर्न में कुछ नहीं लेते थे। तो मेरे को लगा कि ये काम तो पॉसिबल है। तो अभी मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ ये बात, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि आप मुसीबत के समय हाजिर हो जाओ, जहाँ ज़रूरत है हाजिर हो जाओ, हो सकते हैं? हो सकते हैं तो हाथ खड़ा करो, सब कर सकते हैं। निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं? हाथ खड़ा करो। गुप्त रह सकते हैं, कोई नाम शान नहीं, रह सकते हैं? हाथ खड़ा करो। फिर रिटर्न में कुछ नहीं लेना, वो भी पॉसिबल है? और फिर फ्लाई अवे लाइक एंजल्स कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, कुछ लिए बिना कर लो ना अच्छी तरह से, पक्का हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल? पॉसिबल। तो आज आप सभी भी एंजल्स बन गए हो, अपने लिए ताली बजा लो आप, है ना। बड़े बड़े एंजल नहीं, टाइनी एंजल ना, है ना, है ना, माइक्रो एंजल। तो जहाँ भी जाए ना, एंजल क्या करते हैं? वो दुनिया की रक्षा करते हैं, है ना, उनको भगवान का हेल्पर कहा जाता है, हेल्पर्स ऑफ गॉड। और वो भी यही करते हैं, तो हम भी वो करते हैं। तो आज देख लो आप सभी भी एंजल्स बन गए हो, पक्का है ना। अभी नीता बहन को बोलेंगे हम, इतने एंजल्स यहाँ पे तैयार हो गए हैं आपके लिए, है कि नहीं है। पर देखो, ये तो बात है अपने आप को फील करने का, लेकिन क्या था, हमारे ऑफिस में मेरे कोलीग्स थे, 10 लोग मारे गए। कारण था कि उन्होंने डिसाइड किया वो वहीं पर सेफ हैं, क्योंकि 64th मंजिल पर हैं, अगर वो चलना शुरू करेंगे रास्ते में कहीं आग लगी होगी तो स्टक हो जाएंगे, तो क्या करेंगे। इस कारण से वो उन्होंने वहीं डिसाइड किया रुकने का। हमको था कि हमको निकलना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, तो हम निकल कर आ गए, लेकिन जब तक उन्होंने चलना शुरू किया इट वॉज टू लेट, तो उनकी डेथ हो गई सभी की। तो एक ना नेचुरल जो गिल्ट कॉन्शियस होता है ना, सर्वाइवल गिल्ट, तो मैं जब उनकी फ्यूनरल में जाता था तो मैं चर्च में बैठ के ना सोचता था इसके बारे में, मैं कि ये क्या जस्टिफिकेशन है कि मेरी जान बच गई, वो रह गए, मेरी चली जाती ना। और शायद पता होगा कि नहीं, मैं कुमार हूँ, हमारी शादी नहीं हुई है, तो अगर मेरी डेथ हो जाती, थोड़े दो चार लोग रो धो के रह जाते, उनका तो परिवार है, हैं तो उनके बच्चे बेचारे बिलख रहे हैं, तो मैं चला जाता ना। पर फिर मैंने कहा वो तो पॉसिबल अभी हो ही नहीं सकता है, तो मैंने एक साइलेंट प्रॉमिस किया अपने आप से, मैंने कहा राम प्रकाश समझो तुम्हारी भी डेथ हो गई है उनकी तरह, आपका जीवन अपना था वो ख़त्म हो गया है, अभी ये जो आपको जीवन मिला है अगर आप अपने लिए यूज़ नहीं करो, दुनिया की सेवा में लगा दो, फिर भगवान भी जस्टिफाई कर पाएगा कि आपकी जान क्यों बची है, क्योंकि तुमको सेवा करनी थी दुनिया की। तो वो तब से मेरी नेचर बन गई कि कहीं भी मैं जाऊं, मैं मदद कर दूं, इसकी मदद कर दूं, उसकी मदद कर दूं। मैंने देखा है इस समय दुनिया में ये हाल है, हर किसी को मदद की ज़रूरत है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे बड़ी पोजीशन वाला है, चाहे छोटी पोजीशन वाला है, कैसी भी सिचुएशन वाला है ना, एवरीबॉडी इज़ लुकिंग फॉर हेल्प।
और अगर आप वो हेल्प दे देते हो तो आप भी खुश और उनको भी आप इतनी खुशी दे सकते हो। तो इसी आधार से बुद्धि में चलता रहता था ये वर्ल्ड इमिट था, हमको भी कुछ ना कुछ बड़ा करने का है। तो क्या हुआ था, तू मेरे को हमेशा चलता रहता था। मैं मधुबन भी जाता था, मैं निर्वैर भाई से बात करता था, मैं कहता निर्वैर भाई कोई ना कोई धमाका होना चाहिए, या कोई ना कोई स्वर्ग का मॉडल बनाना चाहिए, कोई ना कोई अपने हाथों से। मैं कहता था मैं ना विदेश से सारे कारीगर लेकर आऊँ, कारीगर माना अपने ही भाई बहन, हम अपने हाथों से एक मॉडल बनाएंगे, अपने हाथों लेबर नहीं लगाएंगे, तो स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, टू बिल्ड हेवन। इस तरह के मैं बातें करता रहता था उनसे। 2000 के एंड में, वो दिसंबर, मेरे को अभी भी याद है, दिसंबर 22 का टाइम मैगजीन की कवर स्टोरी थी, हैप्पीनेस इज कंटेजियस। तो माना उन्होंने 5000 लोगों के ऊपर 5000 लोगों के ऊपर 20 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, स्टडी किया था। उनकी फाइंडिंग्स थी जैसे फ्लू की बीमारी फैलती है, उस समय तो हमारा कोविड नहीं था, है ना, तो कहते हैं ऐसे ही हैप्पीनेस भी फैलती है। तो उन्होंने एग्जांपल दिया, एक जना खुश होता है, अपने आप ही 5-7 लोग खुश हो जाते हैं, 5-7 को खुश देख के 20-25 खुश हो जाते हैं, 20-25 खुश देख के 100-150 खुश हो जाते हैं। माना खुशी भी ट्रैवल करती है। तो तब लगा कि देखो खुशी मिलती कैसे है, वो अपने जीवन का पूरी ज़िंदगी का अनुभव था कि खुशी कब मिलती थी, जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा करते, कोई ना कोई बढ़िया काम करते। तब अचानक ख्याल आया, एक टेररिस्ट है, अपने एक गलत काम से सारी दुनिया को हिला देता है, तो अच्छा काम वो क्यों नहीं कर सकता है। एक बम ब्लास्ट एक कर्म ही है तो, है ना, तो वाई नॉट एक्सप्लोजन ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। फिर सोचना शुरू किया कि जैसे अभी गुडनेस ना बोरिंग से लगती है, आज कोई आप करेंगे ना प्रोग्राम एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, 500 लोग आ जाएंगे, फिर कहेंगे गुडनेस प्रोग्राम, 20-25 ही आएंगे। क्या गुडनेस है, बोरिंग सा सब्जेक्ट है ना, बोरिंग है ना। तो फिर मेरे को लगता था ये बोरिंग क्यों है, वाई कैंट इट बी डायनेमिक, है ना। अगर वो जो टेररिस्ट है 1% है, 99% दुनिया को वो रूल कर रहे हैं, कारण है क्योंकि वो अग्रेसिव हैं, हम अग्रेसिव नहीं लेकिन हम शक्तिशाली डायनेमिक बनाए उसको। तो तभी ख्याल आया कि वो एटम बम की बात करते हैं, वी विल डू द एक्सप्लोजन ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस। तब लगा कि जैसे एटम बम भी कैसे चलता है, वो एटम एक दूसरे से टकराते हैं, देन दे गेट स्प्लिट, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन एटम का वो एक्स्ट्रा हो जाता है, एंड दैट टर्न्स इनटू न्यूक्लियर एनर्जी, और उसका कन्वर्शन फैक्टर है E=mc². कईयों ने सुना होगा, कईयों ने मालूम भी है। तो तब भी लगा कि जो एक्स्ट्रा होता है ना वही कन्वर्ट होता है। तो तब लगा कि अच्छे कर्म की भी यही डेफिनेशन हो गई कि व्हाट आई डू अबव एंड बियॉन्ड माई ड्यूटी और ऑब्लिगेशन और वट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ मी। माना जितना मेरे से कहा जाता है, जितना मेरी ड्यूटी बनती है उतना करते हैं, तो वो मेंटेनेंस है। कहते हैं ना मेरे को जॉब करने के लिए इतना 8 घंटे का काम करना पड़ता है, जॉब मेंटेन करने के लिए, मेरे को रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए इतना करना पड़ता है, फैमिली को मेंटेन करने के लिए इतना करना पड़ता है, वो सिर्फ मेंटेनेंस है। लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा करूँ, दैट विल कन्वर्ट इन टू द E=mc² का फार्मूला जो अप्लाई होता है। तो तभी ख्याल आया, जैसे भारत में किसी को 100 रुपया देना होता है, उसको हम 100 रुपया नहीं देते हैं, कितना, 101 देते हैं। अभी क्यों देते हैं 101, कहते हैं 100 रुपया मेरा लेना देना, लेकिन 1 रुपया परमात्मा के नाम का कहते हैं ना। तो वो 1 रुपया एक्स्ट्रा होता है ना उसका ना उसका, वो जाता है और एटमॉस्फियर क्रिएट करता है जनरोसिटी का। तभी देखो भारत को भी लीडर माना जाता है जनरोसिटी का। अभी देखो छोटी सी बात है, आप सब्जी खरीदने जाते हो, वो दुकानदार आपको सब्जी दे देता है, लेकिन बाद में भी आपको एक्स्ट्रा देता है ना, उसको हम रूंगा चूंगा बोलते हैं,
है ना, कोई धनिया मिर्ची बोलता है कि नहीं बोलता है, मिलता है ना एक्स्ट्रा, है ना, आपको लगता है मेरा अधिकार है वो एक्स्ट्रा का, तो मेरा हाँ भी धनिया मिर्ची कहाँ है, पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं, शायद वही कहते होंगे, है ना। पर आपने कभी नोट किया है, कई बार आपकी नज़र ना सब्जी पर नहीं होगी, सारी नज़र रूंगे चूंगे पर होगी, वो एक्स्ट्रा कौन दे रहा है, होता है कि नहीं होता है। और अगर वो एक्स्ट्रा देगा ना, आप इतने खुश होंगे, घर जाके भी बताएंगे, पड़ोसियों को भी बताएंगे, उसके पास जाना वो एक्स्ट्रा देता है कि नहीं है। तो माना जब कोई भी आदमी एक्स्ट्रा कुछ काम करता है ना, सबकी नज़र भी जाती है और वो सबके प्यारे दुलारे भी बन जाते हैं। तो यही है दुनिया में प्यार महसूस करने का, खुशी महसूस करने का, एक्स्ट्रा करना। माना अगर मेरी 1 लाख की इनकम है, इस समय क्या है 70,000 का लोग काम करते हैं और शो करेंगे मैं इतना करता हूँ, लेकिन 1 लाख की इनकम है तो 1,10,000 का काम करूँ, वो 10,000 मेरा एक्ट ऑफ गुडनेस हो गया। तो ये तो एक मोटे रूप का है, लेकिन समझो मेरे से गलती हो जाए, अपने आप को माफ़ कर देना, दैट इज़ एक्ट ऑफ गुडनेस टुवर्ड्स मी माई सेल्फ। किसी और को माफ़ कर देना, उसके लिए एक्ट ऑफ गुडनेस हो गया, एक्स्ट्रा पेशेंस हो गई। किसी को हेलो ही बोल देना मुस्करा के, किसी से बात करने को आपका दिल नहीं करता है, दोस्ती का हाथ बढ़ा लेना, एक्ट ऑफ गुडनेस है। ऐसे छोटे छोटे एक्ट ऑफ गुडनेस। तो इसी आधार से तो ख्याल चलता रहा काफ़ी समय तक, फिर लगा कि लेकिन कब धमाका होगा, उसके लिए कहते हैं ना क्रिटिकल मास पहुंचता है तब धमाका होगा। तो वो क्रिटिकल मास कौन सा है, तो तभी सोचा दुनिया में 700 करोड़ पॉपुलेशन है ना, 7 बिलियन, अगर हम सब इकट्ठे मिलकर 7 बिलियन अच्छे कर्म कर लेते हैं, देन देयर कुड बी एक्सप्लोजन ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस इन वर्ल्ड। तभी वो ना इसका नाम निकला 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस। और उसके हिसाब से फिर वहाँ के यंग लोगों ने अमेरिका में एक्सपेरिमेंट किए, वो आउट ऑफ द वे जाकर बात करते थे, कुछ काम करते थे, बूढ़ी मदर का कुछ उठा दिया, किसी को सड़क पार करा दिया, छोटे छोटे कर्म करते, उनको बड़ी खुशी होती थी। तब लगा कि ये प्रोग्राम हम उठा सकते हैं, तो उसके आधार से हमने कई चीज़ें बनाई थी। तो मैं पूछता हूँ उनके पास टाइम कितना है, उसी हिसाब के आपको वीडियो दिखाएंगे, अगर वो थोड़ा सा समझ का टाइम है 5 मिनट में वो भी दिखा सकते हैं पावर पॉइंट है, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। तो ये प्रोग्राम का मतलब कि एसेंस क्या है, तो इन जनरल हम जल्दी कोशिश करेंगे बताने की, मैं यहीं से, तो मैं एक्स्ट्रा बोलता रहूँगा, ठीक है। हाँ, तो देखो ब्लूप्रिंट जो कहा ना, जैसे मकान का नक्शा बनाते हैं ना, तो ऐसे हेवन बनाने का ब्लूप्रिंट माना इसका तरीका और स्पेसिफिकेशन। तो हम कहते हैं ना भगवान की जो शिक्षा है वो स्पेसिफिकेशन हो गया, और जो अपना ब्लूप्रिंट है माना भगवान ने हमको विज़न दिया स्वर्ग का, तो ये भी विज़न है हमारा, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ अभी बोलो, ये था हमारा टाइम मैगजीन में आर्टिकल हैप्पीनेस कंटेजियस। नेक्स्ट ये है कि हैप्पीनेस भी ट्रेवल करती है, एक से आगे के आगे जाती रहती है। नेक्स्ट ये दिखाया है वो डोमिनो इफेक्ट होता है, सारी बॉल है वो ना दे आर सैड, एक हैप्पी बॉल है वो, एक बॉल लगती हिट होती है ना एक बॉल को, वो सारी बॉल को हिट कर देती है, तो वो सारी हैप्पी बॉल्स बन जाती हैं। तो डोमिनो इफेक्ट ऐसे होता है ना, तो वो दिखाया उन्होंने। नेक्स्ट तो कहते हैं जैसे नेटवर्किंग हैप्पीनेस की भी नेटवर्किंग होती है, ये सारा साइंटिस्ट बता रहे हैं ना। अगला ईजी तरीका क्या है हैप्पीनेस का, एक्ट ऑफ गुडनेस। तो जो कहा डूइंग समथिंग अबव एंड बियॉन्ड योर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, दिस इज द क्रक्स ऑफ द होल थिंग, एक्स्ट्रा करना कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा। नेक्स्ट तो वाई 7 बिलियन बताया, 7 बिलियन पॉपुलेशन है सारे वर्ल्ड की। तो ये हम कहते हैं जब हम कोई अच्छा काम करते हैं उससे हमारी एटीट्यूड भी वो डेवलप होता है, और क्योंकि हमको अनुभव होता है ना अच्छे काम करने की खुशी मिलती है, फिर हमारा हर चीज़ के लिए आउटलुक भी बदल जाता है, फिर आपकी वो नेचर बन जाती है, फिर वो अवेयरनेस ऑटोमेटिकली आपको रहती है। तो ऐसे फिर अगला तो वो कहते हैं
जब हम अच्छा करते हैं, अच्छा फील होता है, फिर अच्छा करते हैं। हमको मालूम है जब हम योग करते हैं उससे भी अवेयरनेस आती है, फिर अच्छे कर्म होते हैं। लेकिन अच्छा कर्म करने से अच्छा योग भी लगता है, भगवान को आप याद इजीली कर सकते हो। तो वही एक ना चेन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट ये दिखाएंगे आपको वीडियो में भी, डोमिनो इफेक्ट है तो उसका और चेन रिएक्शन का दिखाएंगे आपको आगे। नेक्स्ट ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कहते हैं रिवर्स एंट्रोपी। माने हम कहते हैं ना नरक से स्वर्ग कैसे बनेगा। अगर आपके पास 100 रुपये है, आपने किसी को 50 दिया, आपके पास 50 बचा। लेकिन अगर आप बड़े खुश हैं, 100 यूनिट्स हैप्पीनेस है आपके पास, आपने किसी को उदास देखा उसको 50 यूनिट्स हैप्पीनेस के दे दिए, आपके पास हैप्पीनेस कम हुई बड़ी के उतनी रह गई, तो बड़ी हो गई ना, डबल हो गई, तो वो रिवर्स ऑर्डर हो गया। धन देने से कम होता है लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ करने से बढ़ती है। तो पहले सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग आया, क्योंकि एंट्रोपी काम कर रही थी। लेकिन ये रिवर्स एंट्रोपी हो गया जब हमको स्पिरिचुअल एनर्जी हमको इंट्रोड्यूस किया भगवान ने आकर, तो हमने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ करना शुरू किया तो रीजुविनेशन हो गया, लॉ ऑफ रीजुविनेशन। चलो नेक्स्ट, तो यही दिखाया 100th मंकी का एग्जांपल है कि क्या था। साइंटिस्ट ने जापान के पास एक आइलैंड है, वहाँ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने प्लेन से आलू गिराए थे, वहाँ पर बंदर रहते थे पर आलू मिट्टी से भरे हुए थे। तो बंदरों को आलू तो बहुत अच्छे लगते थे लेकिन मिट्टी अच्छी नहीं लगती थी। तो एक बंदर का आलू लुढ़कता हुआ पानी में चला गया, तो आलू धुल गया, तो उसने धुला हुआ आलू खाया, उसको बड़ा मज़ा आया, तो वो धो धो के आलू खाना शुरू कर दिया। तो दूसरा बंदर उसको देख रहा था, कहते ये बड़ा खुश हो रहा है और धो धो के आलू खा रहा है, तो उसने भी आके धोकर शुरू कर दिया। तो एक से दो बंदर मुस्कराने लगे, फिर दो को देखकर दो और आ गए, चार हो गए, चार से आठ हुए, 16 हुए। और जैसे ही 100th मंकी ने आलू धोकर खाना शुरू कर दिया, जंगल के सारे ही बंदरों ने आलू धो के खाना शुरू कर दिया। माने जब दुनिया में थोड़े से लोग बदल जाएंगे, सारी दुनिया अपने आप ही उससे बदल जाएगी। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मेरे को 100 योगी दो, मैं सारी दुनिया को बदल दूंगा। तो यही कॉन्सेप्ट उसका है। नेक्स्ट, तो देखो ये भी दिखाएंगे, एक्सप्लोजन की बात करते ना, इंस्टेड ऑफ एटॉमिक एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट, ये सुनामी है कि जब हम लहरें एक को हम खुशी देंगे, खुशी बढ़ती जाएगी और आगे भी बढ़ती जाएगी, वही सुनामी में परिवर्तन हो जाएगी। तो हम सारी दुनिया को प्यार और खुशी में डुबो देंगे, पानी में नहीं, और प्यार में खुशी में डुबोना माना हर जगह प्यार ही प्यार, खुशी ही खुशी। तो ये वाला अभी देखो, हमने इतने प्रोग्राम कर लिए हैं, 30,000 के करीब, 40 कंट्रीज़ में ये प्रोग्राम अब तक जा चुका है। और भारत में भी आलमोस्ट सब स्टेट्स में जा चुका है, भोपाल में भी मैं दोबारा आया हूँ इसको एक दोबारा फिर से ब्लूप्रिंट बनाने के लिए, कि अभी तो स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। अगला तो देखो, अभी हमारे पास 2 बिलियन इकट्ठे हुए हैं, हम इसमें जल्दी नहीं करना चाहते, ऐसे नहीं फटाफट करके कर दिया, धीरे धीरे कर रहे हैं। अगला, ये रेवोल्यूशन की तरह है, रेवोल्यूशन ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस। और आप देखेंगे रेवोल्यूशन कभी ऊपर से शुरू नहीं होता है, हमेशा नीचे से शुरू होता है, अंडर द रडार। और जब तक लोगों को पता चलता है, इस ऑलरेडी बड़ा बन जाता है ना, तो हम भी सारी दुनिया में गुडनेस एंड हैप्पीनेस का रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। नेक्स्ट ये है, ये प्रोग्राम करने कितने इजी हैं, सिंपल हैं, फन है। देखो भी अभी आपने भोपाल में 35-40 प्रोग्राम अरेंज किए ना, खर्चा हो रहा है कोई ज़्यादा, है ना, बस दो बैनर बना लिए, थोड़ा सा पैम्फलेट बना लिए, भाई यही खर्चा है। तो देखो कितना इजी भी है और मज़ा आता है। ये प्रोग्राम करने के बाद आप थकते नहीं हो, पर जब आके घर आके बात करते हो ना प्रोग्राम के बाद, कहते हैं अभी तो 2 करेंगे, 4 करेंगे, 10 करेंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है। मैं जो जिन्होंने किया था यहाँ पर, तो फन इट हार्डली कॉस्ट एनीथिंग। अगला, ये हमारा जिसको ना फ़ोटो लेना ले लो, फिर जाके आप वेबसाइट में देखना, इसमें वेबसाइट भी है, मेरा अपना इंडिया का नंबर भी है, यूएसए का नंबर अभी पता नहीं है वो काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन भारत का यही व्हाट्सअप है। और वैसे यहाँ सेंटर पर
हमारे सभी आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी लोकल, पर मेरे को अगर आप पिक्चर लेनी तो ले लो, बाद में देख लेना उसको। अच्छा हो गया, नेक्स्ट फिर दिखाना है कि जो मिशन मैंने बताया ना, टू क्रिएट ए ग्लोबल रेवोल्यूशन ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, टू इंस्पायर पीपल टू कलेक्टिवली परफॉर्म 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस। और हमारी अंदर की जो इनेट क्वालिटी है ना, हमारा डीएनए जो है, भगवान का डीएनए ना, भगवान के बच्चे हुए तो मेरा भी डीएनए भगवान का है, और वो डीएनए है गुडनेस का, तो वही हमको ना अवेकन करने का है, उसको इमर्ज करने का है, वही हम कर सकते हैं। अगला तो ऐसे बताया, कॉन्सेप्ट जो बताया, चेन रिएक्शन, फ्रैक्शन ऑफ एन एटम ट्रिगर एटम बम एक्सप्लोजन, रिवर्स एंट्रोपी, और 7 बिलियन विल बी द क्रिटिकल मास। नेक्स्ट इंटरफेथ इनिशिएटिव है, हमने जो प्रोग्राम किए वहाँ क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू, वो कहते हैं हमारा फेथ अलग अलग है लेकिन गुडनेस तो कॉमन है सबके लिए, तो ये प्रोग्राम सबके लिए वो है, और हमने इस प्रोग्राम को बनाया भी बड़ा न्यूट्रल है, ठीक है ना, फैमिली के साथ आप कर सकते हो, ग्रुप ऑफ पीपल, और छोटे मोटे प्रोग्राम भी आप कर सकते हो। अगला बस ख़त्म, तो अभी आपको वीडियो दिखा देते हैं, अभी वो छोटे छोटे अच्छे कर्म कौन से हैं, तो वो आप वीडियो देखना, और उसमें दिखाया है मतलब कि कैसे करेज होता है, उसका फ़ायदा क्या है, वो नंबर 1 to 12 जो लिखा ना, 1 to 12 लिखा ना, 1 to 12 है ना वो वाला है, हाँ 1 to 12, हाँ टाइम है ना, तो 15 मिनट 17 मिनट। अच्छा 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 वो उसका वो स्पीकर लगाओ, हाँ ये लगा। अच्छा ये वही चक्कर आता है, हाँ मुझे पता है, बोलो कल्चर ही क्रिएट करना है सारी दुनिया में। हमने इसको न्यूट्रल बनाया है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा नॉलेज यूज नहीं इसको किया हुआ शब्द, लेकिन जो हाँ अच्छा आप बंद नहीं करना, वॉल्यूम भी नहीं चेंज करना। तो एम है हमारी वर्ल्ड फैमिली 7 बिलियन की है, तो हम सबको मिला के 7 बिलियन अच्छे कर्म कर सकते हैं। अच्छा कर्म क्या है? अच्छा कर्म एक बीज है जिससे के गुडनेस का ट्री क्रिएट होता है, ग्रो होता है। देखो छोटे छोटे किसी की हेल्प कर देना एक्ट ऑफ गुड।
तो टाइम थोड़ा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्ल्ड में सर्विस जो हुई है ना, कहाँ कहाँ कैसे ये स्टार्ट हुआ। शायद आई शुड बी एबल टू फिगर इट आउट। वर्ल्ड में प्रोग्राम जहाँ जहाँ लॉन्च हुए वो थोड़ा सा, जो हमने अमेरिका में स्टार्ट किया इंडिया डे परेड पर, फिर हमने 100 के करीब प्रोग्राम अमेरिका में किया, क्रिश्चियन मुस्लिम ज्यूइश सबके पास। फिर भारत में 2014 में लेकर आए थे। सारे स्कूलों के प्रिंसिपल्स हैं, तो अपने फिर शहरों में उन्होंने प्रोग्राम्स किए।
ना करेबियन कंट्रीज है ना, वेस्ट इंडीज़ के, वहाँ भी सभी कंट्रीज़ ने, वहाँ तो नेशनल लेवल पर प्रोग्राम किए उन्होंने। कहते ना भगवान भी इन्फिनिटी है, वी कैरी गॉड्स डीएनए, हमारे में भी इन्फिनिट पोटेंशियल ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस। तो कहते ना साइंस कैसे प्रूव करती है कि हमारा छोटा सा अच्छा कर्म कैन कन्वर्ट इनटू ए बिग थिंग, ये दिखाता है डोमिनो इफेक्ट। Was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. ये 13 पीस थे, अगर 29 होते तो 105 मंजिला बिल्डिंग भी गिर जाती। हम भी अपने छोटे से कर्म से दुखों के पहाड़ों को गिरा सकते हैं, डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं इसको। अब देखो वो भी दिखाएगा साइंटिस्ट। तो देखो ऐसे ही एक जना अच्छा काम करेगा, एक से दो होंगे, दो से चार होंगे, आठ होंगे, फिर चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और चेन रिएक्शन बढ़ते बढ़ते सारी दुनिया में धमाका हो जाएगा, एक्सप्लोजन ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, नॉट एटॉमिक एक्सप्लोजन बट एक्सप्लोजन ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस। ऐसे ही हम लहरें पैदा करेंगे अच्छे कर्मों की, लहरें ऊंची उठती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे वो सुनामी में बदल जाएंगी और हम सारी दुनिया को प्यार और खुशी की सुनामी लेकर सबको डुबो देंगे प्यार और खुशी में। सो वी कैन क्रिएट दिस सुनामी ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। तो यही हमारा लक्ष्य है। तो गुडनेस रिटर्न आ रही है, ख़त्म नहीं हो गई है, सत्युग आ रहा है, स्वर्ग आ रहा है, पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, जस्ट गेट इन्वॉल्व। तो यही हमारा लक्ष्य है, ठीक है। अभी किसी को भी कुछ कहना हो, क्वेश्चन हो, तो हमने इन जनरल बता दिया। देखो ये मैंने अमेरिका में किया छोटे बच्चों के साथ। कहते हैं छोटे छोटे बच्चों का क्या मालूम है गुडनेस का, तो देखो ये छोटे छोटे बच्चे वहाँ खुश हो रहे हैं। तो मैंने कहा बच्चों को भी आप सुनाओ, जब आपको कोई अच्छा अनुभव हुआ था, जब आपने कोई अच्छा काम किया, आपको मज़ा आया था। कहते मेरी मम्मी ने मेरे को दो लॉलीपॉप दिए, मैंने एक अपने दोस्त को दे दिया, मेरे को बड़ा मज़ा आया। इनमें से वो बोल रहे थे देखो बच्चे, माना बच्चों को भी मालूम है गुडनेस क्या होता है, तो बड़ों को तो सबको मालूम है। तो यही मेरे को कहना है, यही हमारा लॉन्च हो रहा है। हम भी बच्चे बन जाएं, ऐसे ही बच्चे बनेंगे तो हमको कोई चिंता ही नहीं लगेगी कैसे होगा कब होगा। देखो वो मस्त का है। ओम शांति। ओम शांति। हमारे बीच में पुरुषोत्तम भाई जी हैं, भाई जी का एक प्रश्न है। ओम शांति। आपका भोपाल में बहुत बहुत स्वागत, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा आपका। थैंक यू। फॉरगिवनेस जो है दैट इज़ ऑल्सो एक्ट ऑफ गुडनेस, बट उसको अप्लाई करने के लिए सबसे बड़ा जो हर्डल है वो हमारी ईगो है, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे को क्या होता है, अपनी कमियों को निकालें, वो छोड़ दें, हम ना पॉजिटिव क्या करना है उसके बारे में सोचें। देखो वास्तव में मेरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये अनुभव हुआ था, उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि हाउ अमेरिका विल टेक रिवेंज नाउ। तो मैंने उनको ये कहा, आज उन्होंने रिवेंज लिया, कल हम लेंगे, फिर वो लेंगे, लोग मरते जाएंगे, एंड कहाँ है,
हम इसका विश्व साइकिल है ना रिवेंज का कैसे ख़त्म करेंगे, हमको हीलिंग प्रोसेस शुरू करनी है और हीलिंग आती है फॉरगिवनेस से। पर पता उस दिन मैंने क्या किया, मेरे को तो नहीं पता टेररिस्ट कौन है वो, तो उस दिन मैंने अपने आप से कहा, मैं कह राम प्रकाश, क्योंकि हम जब किसी को फॉरगिव करते हैं कोई बड़ा बुरा काम किया होता है, तो मैंने देखा मैंने भी बहुत बुरे काम किए हुए थे जीवन में, तो मैंने कहा राम प्रकाश चलो दूसरों को छोड़ो आप अपने आप को ही माफ़ कर लो। तो उस दिन मैं सचमुच कहूँ मैंने भगवान को सामने रख के अपने जितने भी मैंने बुरे कर्म किए थे ना अपने आप को माफ़ कर दिया। तो मुझे अभी भी याद है जैसे बर्डन होता है ना हमारे शोल्डर पर, सबको याद होता है उन्होंने बुरे काम कौन से किए हैं, अपने आप को माफ़ कर देना ना, अगर हमको वो आ जाएगा ना दूसरों को माफ़ करना इजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है हाउ लाइट आई फेल्ट ऑन दैट डे। तब मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, अभी मेरी ज़िंदगी में फूल बन गया है, किसी ने गलत काम किया ना उस पर नाराज होने की बजाय आपसे कोई भूल हुई है ना चाहे कल हुई हो हफ्ते पहले अपने आप को माफ़ कर लो। तो अभी कोई ना गलत काम करता है मैं मुस्कराता हूँ, कहते मुस्करा क्यों रहे हो, अभी मेरे को चांस मिल जाएगा फॉरगिव करने का। देखो अपना करके देखो, ऐसा करके अपने आप को ना ऊपर लेकर जाओ, रादर के ये लेन देन का चक्कर है, ईगो ये वो है, ईगो इज़ नथिंग बट लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। सच्ची बात है ईगो उन्हीं को आएगा जिनको अंदर में श्योरिटी नहीं होती है, इनसिक्योरिटी होती है ना वो ईगो लेकर आता है। तो मेरे को होता है जब किसी का ईगो नजर आए ना उसको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो, अपने आप ईगो ख़त्म हो जाएगा। और अपने आप का ईगो ख़त्म करने के लिए अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। मेरे को लगता है हम अपने आप ना बहुत कठोर है, हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं ईजिली, पर अपनी से छोटी सी भी भूल हो जाती ना हम लेके उसको बैठे ही रहेंगे बैठे रहेंगे। तो अपने आप को माफ़ करना सीखेंगे ना तो वो आ जाएगा फर्क। थैंक यू, थैंक यू। और भी कोई कोई क्वेश्चन, कोई भी पूछो। एक क्वेश्चन और आया है, वो कौन से कारण है जिस कारण लोग आज के समय में निस्वार्थ, ये गुडनेस जो है ना एक्ट ऑफ गुडनेस, निस्वार्थ सत्कर्म नहीं कर पा रहे हैं? भय, क्योंकि लोग मेरा एडवांटेज लेंगे, है ना सबको। मैं सुनो आज मैं आपसे पूछता हूँ ना, हर कोई कहेगा आपको लगता है आई एम ए गुड पर्सन बट आई एम हर्टिंग, होता है मैं दुखी हूँ। तो हमको भी होता था, पर हमने क्या देखा, हम लोगों की मदद करते रहते मतलब जब उनकी टर्न आती थी वो गायब हो जाते थे। एक दो बार देखा, एक बार मैंने पक्का कर लिया कि मेरे को मदद नहीं करनी है, तो वो रोने लग गए, फिर हम पिघल गए, फिर तभी भी उनको नहीं सुधरे। तो एक बार सचमुच में मैंने नहीं किया तो मैंने देखा वो रोते हुए चले गए, पर जितना दुख उसको हुआ उससे ज़्यादा मेरे को हो गया। मैं क्या, मैं अपने आप को दुखी क्यों करूं, अपनी नेचर को मैं क्यों छोड़ूं? मैं कच्चा, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मे बी आई एम सेंसिटिव, मे बी आई एम इमोशनल, पर कम से कम मैं अपने आप को तो खुश करूं, क्योंकि मेरे को लगा मैं नेचर के अगेंस्ट गया हूं। तो मैंने करते रहे मैंने क्या देखा, जो एडवांटेज लेने वाले कहीं नीचे ही रह गए कहीं ना कहीं, लेकिन हमारी ग्रोथ होती गई अलग अलग तरीक़ों से। अल्टीमेटली हमने सोचा उसके बारे में, मैं कह ये क्या प्रोसेस है, तब लगा कि लोग मेरा एडवांटेज ले रहे हैं, वो तभी लेंगे ना जब मेरे पास एडवांटेज है। माना आई एम एट एडवांटेज, दूसरे डिसएडवांटेज पर है, एनर्जी ऊपर से नीचे जाती है। अगर मेरे को उनसे लेना होगा तो मेरे को उनको नीचे जाना पड़ेगा, एंड दैट्स बिलो माई डिग्निटी, आई विल नेवर गो देयर। तो लेकिन रूल क्या है, ये सिंपल फिजिक्स है, जब लोग मेरा एडवांटेज लेते हैं मेरे को प्रकृति परमात्मा सर्कमस्टांसेस से मिलना शुरू हो जाता है। वो उससे नहीं मिलेगा, डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस डिफरेंट पर्सन। जैसे आपका एक्सीडेंट होते होते बच गया, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको लाइफ का कोई डिसीजन लेना है, यू एंड अप डूइंग द राइट डिसीजन। तो हम कहेंगे आई गॉट लक्की, बट देर इज़ मोर देन लक एंड दैट्स अवर कर्मास। तो हमारे जितने हम अच्छे कर्म करते जाते हैं ना,
जिसका हमको रिजल्ट नहीं मिलता वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और ऐसे ही मुसीबत के समय कहो या जब जरूरत होती है सब वो लंप सम में आके ना हमको ठीक रास्ते पर ले जाते हैं। तो आई ऑलवेज फील नेवर बी अफ्रेड ऑफ बीइंग ए गुड पर्सन। कहते हैं कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो, आपका अच्छा होता रहेगा। मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ, कई लोग मेरे को भी कहते हैं आप राम प्रकाश आप बड़े भोले हो, लोग आपको यूज़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ यहाँ भी कोई स्मार्ट बैठा हुआ है कि सब भोले हैं, चाहे आप बड़ी पोजीशन वाले हैं, हैं, लेकिन दिल से दिल में टटोल कर देखो क्यों जी इनका दिल भोला है। मैं उनसे पूछता हूँ भोले भाले हैं अंदर से है, लगता है सच में दिल से कह रहे कैसे दिखाने के लिए है कि नहीं है कोई क्यों जी, है ना, बड़े दिखवागे बैठे हैं, थोड़ी पोजीशन वाले भी हैं, लेकिन दिल बड़ा भोला है, अंदर में छल कपट नहीं है। तो तब मेरे को लगा और लोग मेरे को यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब मैं यूज़फुल हूँ, नहीं तो मैं यूज़लेस हो जाऊँगा। तो मेरे को यूज़लेस बनना है क्या? यूज़ मेरे को इसलिए कर रहे हैं ना कि मैं यूज़फुल हूँ। तो जितना लोग मेरे को यूज़ करेंगे मेरी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो तभी मेरे को होता है काम कर, लोग मेरे को यूज़ करें, मेरी वैल्यू बढ़ती जाए, फिर आपको ये फील नहीं होगा करूँ कि ना करूँ। अपने आप को ना ऊँचा उठाओ, यहाँ नहीं सोचो, ये सारी प्रॉब्लम ना ये मिडल में होती है, कंपटीशन, कंपैरिजन, है ना, लेना देना। लेकिन जब अपने आप को ऊँचा उठा लोगे ना वो सब क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे आपके। एक और क्वेश्चन है, थैंक यू। कार्य क्षेत्र पर होते हैं, जब वर्क प्लेस पर होते हैं, जो वर्क लोड है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है उसको मैनेज कैसे करें? देखो आपको मैं क्या कहता हूँ, बाहर से लोड आता है ना, जैसे आपको एग्जांपल दूँ, हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पता है कितना, जिनको पता है 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच, उसको अगर हम करें ना हमारे पूरे शरीर पर कितना लोड है मालूम है किसी को? 18,000 किलोग्राम क्रश हो जाएंगे हम, कोई इमेजिन नहीं करता है, पर इतना बड़ा हमारे को चारों तरफ से लोड है हमारी बॉडी पर। क्रश क्यों नहीं होते? हमारे लंग्स में, हमारे पेट में, शरीर में हवा होती ना, तो जो लोड है वो ऐसे ही करता है, ये उसको पुश आउट करता है, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो जितना हमारा वर्क लोड है, हमारे अंदर की शक्तियाँ हैं ना, रिसोर्स है, जैसे करना लव, लव कैन जनरेट एनर्जी इन यू, हैप्पीनेस जनरेट्स एनर्जी इन द बॉडी। आप देखो मदर कितना वो काम करती है बच्चे के लिए, लेकिन उसके अंदर प्यार की शक्ति इतनी है वो सब कुछ सहन करके भी बच्चे का कर लेती है, वो इंटरनल रिसोर्सेज हैं। तो हमको होता है लोड बार का आएगा तभी जब आपका अंदर में कैपेसिटी है, नहीं तो आप लेंगे नहीं। कोई भी चीज़ ग्रो होती है ना, वृक्ष होता है ना, वृक्ष तब तक ऊपर ग्रो नहीं होता जब तक उसकी जड़ें जो है ना मजबूत नहीं बन जाती हैं। कोई भी चीज़ नेचर में देखो, पहले इंटरनल एनर्जी ग्रो होती है, उससे हमारी इमेजिनेशन होती है, उसी से हमको उमंग उत्साह आता है, उसी के कारण से हम अच्छे कर्म कर लेते हैं। तो आई फील कि लोड जितना आता है ना, क्योंकि लोड के समय तो हम एक्सेल करते हैं। आज देखो लोड माना डर भी होता है ना, आज देखो एग्ज़ाम का लोड ना हो, पढ़ाई का कोई पढ़ाई करेगा, डेडलाइन ना हो कोई काम करेगा। हमने देखा है डेडलाइन कितनी भी लंबी खींच दो कि कहते हैं अरे अरे ये बहुत बुरा हो गया, कल ही है डेडलाइन, मेरे को एक हफ़्ता और दे दो फिर तो मैं मज़े से करूँगा। एक हफ़्ता मिल जाएगा ना, छः दिन आप फिर काम नहीं करेंगे, करेंगे बाद में। कहते हैं एवरीथिंग गेट डन द 11th आवर या 11 लास्ट सेकेंड। तो ये लोड भी ऐसा ही है, आएगा ना ले लो, शुरू कर दो, अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें। थैंक यू। और लास्ट एक और क्वेश्चन है, आप मेडिटेशन कैसे करते हो शॉर्ट में, आपके हिसाब से परिभाषा क्या है? मैं तो मेडिटेशन करता ही नहीं हूँ, मैं तो प्यार करता हूँ, है ना। देखो बच्चे माँ बाप को प्यार करते हैं, जब मेरे को समझ लगा मैं आत्मा हूँ वो परमात्मा है, तो माना भगत और भगवान का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, बाप और बच्चे का रिलेशनशिप आ गया। मैं कहता देखो बच्चे को बाप को याद करने की जरूरत होती क्या? अपने आप ही आता है। तो मेरे को तो आजकल सिर्फ यही नहीं होता, मेरा मेडिटेशन कैसे होता है, हम कई बार कहते हैं हमको भगवान से प्यार मिलता है, फिर मैं पूछता हूँ क्या प्यार माँ बाप का ही बच्चों को मिलता है? क्या माँ बाप को बच्चों का प्यार नहीं मिलता है? क्या बच्चे माँ बाप को खुश नहीं कर सकते हैं? क्या माँ बाप ही बच्चों को खुश करेंगे?
क्या ख्याल है? बच्चों को फिर तो भी खुशी मिलती है ना, तो मेरे को तो ऐसा होता मैं इतने बढ़िया बढ़िया काम करूं, मैं भगवान को भी खुश करूं। तो हमेशा बड़े बड़े काम ऐसे करो इम्पॉसिबल काम। देखो बच्चा कोई इम्पॉसिबल टास्क अपने हाथ में ले लेता है तो क्या कहेगा, अरे नहीं करो नहीं करो, नहीं मेरे को करना है। फिर फादर क्या कहेगा, अच्छा चलो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे को तो ये होता है मैं क्यों भगवान के पास जाऊँ, भगवान मेरे पास आए ना। देखो रिलेशनशिप को ना इंटरेस्टिंग बनाओ, तो मेरे को तो वही मेडिटेशन है। मैं हमेशा इम्पॉसिबल टास्क हाथ में लूँगा तो भगवान हमेशा मेरे पीछे पीछे आएगा मेरी मदद करने के लिए। वो बड़ी माँ है ना, माँ बच्चे को बचाना चाहती है। तो देखो वह मेडिटेशन मेरा तो खुशी वाला मेडिटेशन है। मैं बाबा के पास जाके कहता हूँ आज ये करना है, करें करें। देखो बच्चे भी होते हैं ना, जब कोई ना कोई प्रपोजल लेके जाते हैं ना माँ बाप के पास, अरे तेरे को आइडिया कहाँ से आया, तू तो मेरे से भी स्मार्ट हो गया है। तो हम कभी ऐसा सोच सकते हैं, भगवान भी हमको कहो तेरे को आइडिया कहाँ से आते हैं? क्या क्या थैंक यू भाई जी, ये मेडिटेशन है। हाँ मनोज भाई जी का एक प्रश्न। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज मैं चेयरमैन हूँ भोपाल कैंसर रिसर्च का। आज हमने आपने हमने आपने हमें एक ऐसा मंत्र दिया है कि इसका मैं बयान नहीं कर सकता। हम लोग काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि हमारी संस्था में हम लोग जो हमारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको हम कैसे पॉजिटिव नेगेटिव मोड से पॉजिटिव मोड में लेके आएँ और कैसे उनको स्वस्थ बनाएँ। तो ये जो आपका वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस और गुडनेस का जो मंत्र आपने हमें दिया है, डेफिनेटली इसको मैं अपनी पूरी संस्था में अप्लाई करूंगा और पूरी दुनिया में इसको बुलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई जी, बहुत ध्यान से सुना। ओम शांति भाई साहब। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो तो जैसा आपने बोला कि सब भोले हैं, गुडनेस वाले हैं, लेकिन जो चेन रिएक्शन है जिसे दुनिया को गुडनेस बनाना है, लेकिन हम तो सदियों से देखते आ रहे हैं कि गुडनेस से वायलेंस ख़त्म नहीं हो रहा है। रावण को भी मारना पड़ा, कंस को भी मारना पड़ा, और अभी भी देखते हैं जो टेररिस्ट हैं उनके साथ अगर गुडनेस करो सजा हो गई, फिर छूट के आए फिर वही वायलेंस करते हैं, मर्डर करते हैं। तो ऐसे सुनने में बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन रियली ये क्या पॉसिबल है, ऐसे कई बार लगता है। अच्छा। हाँ, और अच्छा। मैंने भी मतलब कई बार अनुभव भी किया है वर्किंग प्लेस में भी, जो लोग अच्छे नहीं होते हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनके साथ कितना ही अच्छा करो, कितना ही समझाओ, थोड़ी देर ठीक रहेंगे, फिर ही वैसे वो नेगेटिव हो जाते हैं। जब तक कि उनके साथ हैमरिंग ना करो, उनको पनिश ना करो। देखो वही वाली एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कहते हैं राम ने रावण को मारा ना, है ना। अच्छा, राम ने बंदरों की सेना ली थी, अच्छे भले लोगों की नहीं ली, बंदरों की सेना ली, क्योंकि बंदर बेचारों को कुछ समझ नहीं थी, उछल कूद रहे थे, हमको भगवान की मदद करनी है, मदद करनी है, क्या करोगे ये तो मालूम नहीं है, है ना, उछल कूद रहे हैं बस। तो भगवान ने उनको सबको ना पुल बनाने के लिए लगा दिया, है ना, तो लगाए ना। अच्छा, ये पुल राम से रावण की तरफ बना था कि रावण से राम की तरफ बना था? राम से रावण की तरफ बना है ना। तो हम क्यों सोचते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएं? अपने आप को अपना डीएनए समझो, अपने आप को प्यार से भर लो, आप भगवान के साथी बन गए हो तो राम से रावण की तरफ जाओ। अपने आप को भरपूर करेंगे, नेगेटिव इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव। आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहो मेरे को ना बड़ा वो है, प्रेशर है, टेंशन है, कमज़ोर हूँ, मेरी कमज़ोरी निकाल दो, तो क्या कोई डॉक्टर इंजेक्शन लेके आपकी कमज़ोरी सक आउट करेगा? नहीं, वो आपको ताकत की दवाई दे देगा, ताकत आ गई तो कमज़ोरी ख़त्म हो गई। ज़मीन में गड्ढा है, डिप्रेशन है, कहते गड्ढे को निकालना है, निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा, उसको भरना होता है। तो आई फाइंड कि इस समय ना दुनिया में अंधेरा क्या है, जब लाइट नहीं है तो अंधेरा है। आप आदमी कहते हैं कोई आदमी उदास है, आप उसकी उदासी दूर नहीं करते हो, उसको कोई ना कोई चीज बता के उसको खुश कर देते हो, उदासी अपने आप चली गई। तो ये जो नेगेटिव है ना, फियर है, ये ईगो है, वो सभी बाई प्रोडक्ट हैं एम्प्टीनेस का। आज देखो ये हरिकेन आता है, आपने कभी नोट किया हरिकेन कब आता है? जब प्रेशर कम हो जाता है, चारों तरफ से ना फिर हवाएं चलती हैं और हरिकेन का रूप ले लेती हैं। हमारी कमियां जो हैं, क्योंकि हमारी ताकत जो है ना
वो है हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस से, जैसे कहा ना एंट्रोपी, तो जितना हम फिज़िकल में जाते हैं तो जो एंट्रोपी का लॉ अप्लाई होता है, फिज़िकल लॉ, लेकिन जैसे हम स्पिरिचुअल एनर्जी में उसकी डायमेंशन को ले गए तो रिवर्स एंट्रोपी शुरू हो जाएगी। तो माना आप भरपूर होकर उनका आप काम करेंगे। हमने देखा है कि काम ना करने का कारण कई चीज़ें होती हैं, उनको डर भी होता है, कई बार उनको चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, कई बार सोच नहीं पाते हैं, कोई नहीं चाहता। मुझे पता है जो काम ना करने वाले बहुत होंगे। एक एग्जांपल है, 20% पीपल डू 80% ऑफ द वर्क, और 80% लोग ना 20% काम करेंगे, तो पे दोनों को बराबर मिलेगा। लेकिन आप फ़र्क देखना, जो ज़्यादा करने वाला होगा मुस्कुराता रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, सब लोग उसको प्यार भी करेंगे, और जो काम नहीं करने वाला ना वो क्या करता है, सबकी नोट करता रहता है गलतियाँ, ये टाइम लेट का आया था, इसने ये किया था, इसने वो किया था, सब लोग उनसे डरते हैं, डरते ही नहीं सब नेगेटिव लोगों से, कारण है पता नहीं हमारा पोल ना खोल दे। लेकिन जब वो कोई खुश बंदा आता है ना, सब कहते आ गया आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और जो वो आ गए, अरे बाप रे आ गया, ऐसा बनना है हमको। तो देखो बात है, अपने को ऊंचा करके फिर लोगों से डील कर, क्रक्स इज दैट, तब भी आप राम से रावण की तरफ जाओ, ना कि रावण से राम की तरफ। ठीक है, थैंक यू सर। और हाँ, एक उनको एक वो भी हैं, ये भी हैं। और इसके बाद सभी 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे। मैं साक्षी बहन को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। भाई साहब, आपने फिजिक्स की बात की, एंट्रोपी ना, हाउ इज फिजिक्स विच इज ट्रू ग्रॉस साइंस रिलेटेड टू स्पिरिचुअल साइंस? देखो ये सवाल ऐसा है ना, देखो आइडिया मेरे को भी इतनी समझ तो नहीं है, अपने छोटे से दिमाग को समझा लिया है, हैं जैसे कहा ना, पहले मैं सिविल इंजीनियर था, बाद में अपने आप को स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग कहने इंजीनियर कहने लगा, बाद में हैप्पीनेस इंजीनियर कहने लगा। अभी मैं आपको बताऊं, मैं अमेरिका में अभी तक भी मेरे को ब्रेड भी बनाना आता है, मेरे को पिज़्ज़ा भी बनाना आता है, समोसा खिचड़ी पकोड़े सब कुछ बनाना आता है, और झाड़ू भी लगाता हूँ। तो अभी फिर मैंने देखा है बर्तन साफ करने की भी ट्रिक है, वो भी इंजीनियरिंग है। तो मैं माताओं को कहता हूँ, यू आर डोमेस्टिक इंजीनियर। तो आप हैं, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वो दोनों कंप्लीमेंट्री है। कहते हैं ना, साइंस ही प्रूव कर रही है भगवान की एग्जिस्टेंस, साइंस ही प्रूव कर रही है कि ये चीज़ एग्जिस्ट होती है, जिसको हम फिजिक्स में कहते थे, हम कॉलेज में पढ़ते थे फिजिक्स, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गए कहते थे अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो ये अप्लाई करना जो हमारा नॉलेज है ना, फिजिक्स क्या है वो नाम दे दिया है ना, बात है भी ये काम करती कैसे चीज़ें हैं। जैसे फिजिकल एनर्जी का अपना असूल है, स्पिरिचुअल एनर्जी का अपना असूल है, तो उस तरह से वो दोनों रिलेट होती। मेरे को तो ऐसा लगता है जो हमारे अंदर का है ना स्पिरिचुअल, वही वो जिस कहेंगे वो जो फिजिकल एनर्जी है ना, वो हमारी ही क्रिएशन है, क्योंकि आत्मा ही शरीर को ताकत देती है, आत्मा नहीं है तो शरीर मुर्दा हो जाता है, तो सारी ताकत हमारी अंदर की है। तो आप अंदर का अपने में करके ना, फिर आपको फिजिक्स के साथ ना मैच करने की कोशिश करो, बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे आपको, जो आपके अंदर के अनुभव है ना वो आप ना फिजिक्स में ना अप्लाई करना, देखो आप देखेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा, मेरे को इसलिए मज़ा आता है। चलिए, थैंक यू भाई जी। अच्छा एक टाइम मैं फटाफट कर देंगे, चलो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई साहब, ओम शांति। जब हम कोई प्रोग्राम सुनते हैं तो बहुत उमंग उत्साह में आते हैं और सोचते करके रहेंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीने बाद जहाँ थे वहीं आ जाते हैं, तो कैसे हम लाइफ को अपना उसका एक मतलब एक एक्ट बना लें, जैसे खाना पीना सोना एक एक्ट है, वैसे ही हम गुडनेस को बनाएं, उसके लिए प्लीज़ कुछ टिप्स दीजिए। मेरे को तो लगता है जैसे ही सुना उसी समय काम करना शुरू कर दो, अगर थोड़ा भी वेट करेंगे, जितना वेट करते जाएंगे ना उसका जो मोमेंटम है ना वो ख़त्म होता जाता है ना। तो इसलिए मैंने बहुत बार ऐसे नोट किया है कि
के कोई भी थोड़ा वेट करते हैं ना, फिर ना जो नहीं होते हैं एंट्रोपी स्टार्ट टू टेक ओवर, क्योंकि हम ना ज़मीन पर रहते ना तो उसकी ग्रेविटी है ना, वो ग्रेविटी भी उसको ना नीचे पुल करना शुरू कर देती है। पर देखो कई बार तो मैंने सोचा उसका मेरे को फ़ायदा क्या हुआ, मेरे में बहुत सी वीकनेसेस थी। एक वीकनेस थी मेरे को प्लान नहीं करना आता, दूसरा वीकनेसेस थी मेरे को भूल जाता था, तो मैं कहता तो भूले नहीं तो अभी कर लो। तो देखो मैं अपनी वीकनेस को अभी एडवांटेज लिया, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना दिया। तो मेन बात है उसी समय शुरू कर दो, ताकि उसी समय तभी कहते हैं ना जब गर्म होता है तभी हथौड़ा लगाओ। तो यही वही वाली बात है। अगर मैं किसी से ना बात किया, किसी भाई से दो दिन पहले, मैं कहता तेरे को आगे बढ़ने का है, तो मैंने कहा, वो कहते मैं कल से शुरू करूँगा, मैं कहा कल से शुरू करोगे भूल जाओगे, अभी रात को जाके करना। तो ऐसा आप करेंगे ना आप देखेंगे दैट वर्क्स फॉर मी, यू नो आई होप इट वर्क्स फॉर यू टू। ओम शर्मा, चलिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब के पास अथाह है, लेकिन समय की अपनी सीमा है, इसलिए अभी हम जो कुछ सुना है उसका आत्मसात कैसे करें, उसके लिए 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे। और साक्षी दीदी आपको एक जो आध्यात्मिक यात्रा है, स्पिरिचुअल जर्नी है, आपको मेडिटेशन कराएंगे। सभी रिलैक्स होके बैठे। ओम शांति। सभी अलर्ट होके बैठे। जो कुछ अभी तक सुना उसको समाते हुए जैसा अभी मैं बोलते जाऊंगी वैसा आपको अनुभव करना है। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। शरीर को पूरी तरह रिलैक्स, आराम में हल्का छोड़ दें। मेरा जीवन उस ईश्वर की अमानत है। एक छोटी सी जिंदगी में न जाने कितने रास्ते, कितने मोड़ हैं। अपने आप से पूछिए, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? केवल खुद के लिए जीना और इस दुनिया से चले जाना, क्या इस उद्देश्य के लिए मैं इस धरती पर आई हूँ? प्रेम, खुशी, शक्ति और शांति, जितनी मुझे प्रिय है हर एक आत्मा को चाहिए। जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं तो इस ईश्वर को याद करते हैं। क्योंकि उससे हमें ये सब कुछ मिलता है। क्यों ना मैं खुद किसी के लिए ईश्वर का वो माध्यम बन जाऊं जिसे प्रेम की जरूरत है, उसे प्रेम शांति की जरूरत है, उसे शांति
जिसको मदद की ज़रूरत है उसे मदद दे सकूं, महसूस करें मैं भगवान का फरिश्ता हूं इस दुनिया में अच्छे कर्मों के लिए आया हूं, मुझे केवल दूसरों को खुशी प्यार और शक्ति देना है, तभी मैं इस दुनिया से संतुष्ट और खुशी खुशी जा सकूंगा। मैं उस गॉड का एंजल हूँ महसूस करें ऐसा जीवन जीना है जो मुझे अपने आप पर नाज हो और उस ईश्वर को भी मुझ पर नाज हो। मैं भगवान का फरिश्ता हूँ, ओम शांति। थैंक यू साक्षी बहन। और अंत में फिर से एक बार मैं आभार करना चाहूँगा, सबसे पहले तो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता को जिसकी छत्र छाया में इतना सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात मैं आभार करूँगा आदरणीय बड़ी दीदी का, जिनको संकल्प आया कि राम भाई जी को एक बार फिर से बुलाना है और फिर से प्रोग्राम कराने हैं। बहुत सारे लोगों का इनविटेशन है, कुछ करिए हमारे यहाँ। भाई जी का भी बहुत बहुत थैंक्स कि हमारे लिए कोई एक दो दिन नहीं लेकिन पूरा हफ्ता निकाल कर हमारे बीच में पहुँचे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत दिल से आभार। साथ ही साथ हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता मेजर जनरल ऋतुराज भाई जी, भाई साहब ने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाला हमारे बीच में पहुँचे। दिव्या मैडम का बहुत बहुत थैंक्स, हमारे आदरणीय भ्राता प्रवीण भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, पहली बार आप आए यहाँ पर। साथ ही साथ हमारे सिन्हा साहब का भी बहुत बहुत थैंक्स, और आप सभी जो इतने पेशेंस से इतने समय से यहाँ बैठे हैं और इतना सुंदर कार्यक्रम का आपने लाभ लिया, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम शांति। कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। और हाँ, किसी को कैसा लगा भाई साहब का कहना था दो शब्दों में? रियली अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन फिर भी जब हम सुनते हैं तो समझ में आता है हमको भी कि उसमें विशेष हमें क्या अच्छा लगा। ओम शांति। मेरे को इस प्रोग्राम में बहुत बहुत ही मज़ा आया। आपने इतने सरल शब्दों में इतनी बड़ी गूढ़ी बातें बताईं जो हम सबको मोटा मोटे तौर पर मालूम होती हैं, बट हम उनको पिरोकर एक माला जैसे आपने बनाकर दिखाया आज, और बहुत ही बेसिक चीज़ें करने से आप कहाँ पर पहुंच सकते हो, ये आपने मार्गदर्शन दिया। सो इट इज़ वेरी नाइस, आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ। थैंक यू। थैंक यू सर। प्रवीण भाई साहब, अच्छा लगा। मुझे एक चीज़ आज बहुत अच्छी लगी, जिसमें आपने कहा कि आप यूज़फुल हैं तभी आपका कोई यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। ये हम लोग रोज़ के मर्या में देखते भी हैं, रोज़ के रूटीन में भी देखते हैं, और हम लोग जो कार्य करते हैं तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रांग होना पड़ता है, तो मैंने इसको बहुत गांठ बांध के रखा। अब लगता है मैं अपना एटीट्यूड चेंज करूँगा कि कुछ है तभी तो लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
नहीं तो लोग क्यों आएंगे मेरे से कुछ मदद मांग रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और किसी का विशेष अनुभव रहा हो भाई साहब? इसमें आपने जो टाइनी एंजल, माइक्रो एंजल उसकी बात कही, वो बड़ी मतलब टचिंग थी, छूने वाली थी। टाइनी एंजल्स, माइक्रो एंजल्स, यानी छोटे छोटे भी काम करें और छोटे छोटे उतना भी करें तो उसके लिए बराबर हो जाता है। और उसके जो गुण है कि आप किसी की मदद करें और मदद करके बस छू मंतर हो जाए, नाम की जरूरत नहीं है, ऐसा हो तो एंजल। थैंक यू। मैं ओम प्रकाश गुनानी, यूको बैंक ट्रेनिंग सेंटर में प्रिंसिपल हूँ। यूको बैंक ट्रेनिंग सेंटर में प्रिंसिपल। ओह अच्छा।